यो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ जतिन शर्मा एंड यू आर वॉचिंग लाइफ स्टाइल एंड क्रेविंग। सो हम आए थे कल मनाली। सो मनाली से अभी जो हमारा प्लान है आगे रोहतांग पास जाने का है, तो अभी हम अपने रूम में हैं, रूम चेकआउट करने लगे हैं। ये वाला रूम चेकआउट करके हम सामने वाला जो होटल है वो लेंगे वापसी में। तो अभी सामान वगैरह पैक कर दिया है। मनाली के ब्लॉग इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था नहीं दिखाने लायक, वही सब बहुत यूट्यूबर्स ने डाल रखा है। मॉल रोड तो हर जगह ही होती है तो उसमें कुछ दिखाने लायक था नहीं। तो अब चलते हैं रोहतांग पास। यहाँ से 50 किलोमीटर थोड़ा दूर है, ऊपर की साइड है रोहतांग पास, अटल टनल, ये प्लान है अभी फिलहाल के। चलिए देखते हैं, हमारी गाड़ी आ गई है नीचे और चलते हैं। How heavy is that? Light work and the bass on the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles run around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. इससे पहले मैं आपको इस वाले होटल का व्यू दिखा दूं। ये यहाँ का कुछ व्यू था बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग। दोनों साइड विंडोज है अपना। बैग हमारे पैक हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से और अपन हम निकलने लगे हैं। अच्छा, तो वन थिंग कीप इन माइंड, जब भी यहाँ आओ मनाली की साइड तो होटल जो लो वो देख के लेना, क्योंकि यहाँ पे ना एसी होता है ना पंखा होता है। तो जब भी आओ इस चीज़ का ध्यान रखना। हमारे होटल में ना पंखा था ना एसी था, बट यहाँ का टेम्परेचर रात को गिर गया था, उसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं लगी। ठंड थी, कंबल डाल के सोए, बट दोपहर में गर्मी होती है, पता नहीं क्या लॉजिक है इनका। चलो चलते हैं। तो भैया ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी आ चुकी है। यहाँ पे यही गाड़ी चलती है ऊपर रोहतांग पास जाने के लिए। ये हमारा कल का कॉटेज था जहाँ पे हम रुके थे, और ये हमारा आज का होगा जहाँ पे हम रुकेंगे। तो अपन अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, ये हमारी छोटी सी गाड़ी है। टें टें। अब हम चलेंगे टू रोहतांग पास। हम निकल चुके हैं। आप एक ग्रुप लीडर ही बताएगा भैया, आपका नाम क्या है? विक्की। विक्की भी हमारे साथ है। हम जा रहे हैं अटल टनल रोहतांग पास, रोहतांग पास। तो आज विक्की भी हमारा साथ देंगे पूरे रास्ते। 13,000 फीट, 13,000 फीट, 13,500 ना देखा कहा था मैंने, 13,500 फीट, 13,500 फीट अबव सी लेवल। ये आगे भी हमारे ग्रुप की गाड़ी है, हमारे ग्रुप की 4-5 गाड़ियां जा रही हैं, तो इसमें ज़्यादा बंदे हैं, हमारी प्राइवेट है अपनी। ये यहाँ का सारा टैक्सी स्टैंड है, सारी छोटी गाड़ियाँ मिलेंगी ऑल्टो जैसी। तो ये यहाँ से कपड़े मिलते हैं रेंट पे, और यहाँ से कपड़े लेके जा सकते हैं। ये देखो प्राइजेज हैं ये कपड़ों के, ओवरकोट 200, डैंगरी 250, बाकी पता नहीं क्या क्या। ये शॉप है यहाँ की, ये जंपसूट्स, तो ये जंपसूट और ये बूट्स अपन ने ले लिए हैं। बहुत मुश्किल से साइज मिला, बाकी लोग अपना ढूंढ रहे हैं अभी, बाकी लोग लगे हुए हैं अपनी स्ट्रगल में। बहुत मुश्किल है भाई कपड़े देना, अंदर बॉय का भीड़ है, प्लस वो कपड़े भाई 10 किलो के कपड़े हैं। ये अपनी गाड़ी है, ये भी है, ये सब हो गए रेडी। ओए एक बार पीछे घूमना, पीछे घूमे आरिफ। ये ओ, ये हमारा सेंटा क्लॉज भाई, व्हाइट नहीं मिली थी, रेड मिल, रेड ले लेता सेंटा क्लॉज लगता। दूसरी गाड़ी रुकी है जिप लाइन के लिए, मेरा कोई प्लान नहीं है जिप लाइन करने का,
क्योंकि आई ऑलरेडी हैड एन एक्सपीरियंस जिप लाइन का. बहुत छोटी जिप लाइन है ये. अगर आप चाहो तो आप भी आके यहाँ पे जिप लाइन कर सकते हो. बाकी ब्यूटी मैन जबरदस्त. किसी ने सही कहा सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. तो भैया ब्यूटी तो यहाँ की अमेजिंग है, लाइक अमेजिंग. ओके ये देखो पूरे पहाड़ है मेरे पीछे, जबरदस्त व्यू आ रहा है. और यहाँ सब लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं. अरे बहुत घने पेड़ और जंगल पूरा. और ये रास्ता इतना पतला है कि एक ही गाड़ी जा सकती है. और आगे अभी ट्रक फंसे हुए हैं. देखो देखो एक चेक पोस्ट है जहाँ पे परमिशन चेक होती है, ऑनलाइन परमिशन चेक. ये रोहतांग पास है. ये रोहतांग पास की परमिशन है. ये है परमिशन लेटर. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. निकल आई है बाहर, मस्त हो गया. अब मौसम हो गया ठंडा चिल्ड. वाइड एंगल में देखो यार, वाइड एंगल में देखो. ओ, क्या पूरा मजा आ रहा है. सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, आधी आगे निकल गई है. सब भाई अपना एंजॉय कर रहे हैं. मौसम की लुक में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त मौसम है. ये बर्फ भाई शुरू, ये पहली बर्फ शुरू. अब हम रुक चुके हैं यहाँ से, शायद हमें आ गया. ये पूरी ऊपर बर्फ है जहाँ तक देख, ये सारा ग्लेशियर आ रहा है, ये सारा ऊपर तक बर्फ ही बर्फ है. ओके तो भैया भाई तुम्हारा आ गया पूरा आउटफिट में, जंप सूट वगैरह पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए. ठंड है जबरदस्त. मैं तो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था, नहीं जाए चल कोई ठंड नहीं है ऊपर. लेकिन भाई या तो 13,500 feet ऊपर है. तो भाई अपन कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग. ये 5 घोड़े अपने, स्वाद आ रहा है. तुम्हारे भाई का डेयरिंग देखो, आवाज नहीं दूंगा तो समझ लियो.
ये मेरा घोड़ा है भाई। घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम बादल है। बादल भाई फोन भीग गया एक सेकंड में। गाइस अपन ऊपर आ चुके हैं रोहतांग पास में। आपको यहाँ का ग्लेशियर दिखाता हूँ, एक नंबर ग्लेशियर है। इन घोड़ों में आए हम तो। ओह ये ग्लेशियर देख रहे हो भाई। हम कम से कम आधा घंटे का वो करके आए हैं अभी घोड़े की सवारी। और ये ग्लेशियर भाई, इसके ऊपर पैर जमा के रखना वरना नीचे तक जाओगे। बस इसके लिए आए थे। एज यूजुअली यहाँ पे पूरा मैगी का इंतजाम है। और ये शायद स्लेज राइड है, अभी इसका पता करते हैं क्या हिसाब किताब है। बट फिलहाल तो व्लॉग करेंगे बाद में, पहले चलते हैं इस बर्फ के अंदर। तो यह पूरा ऊपर का सीन, ये पूरा ग्लेशियर है। क्राउड चकाचक है। जो लोग कहते हैं मनाली ना हो भैया, इतना कोई क्राउड नहीं है। देखो भाई मैं इससे आगे जाऊंगा नहीं, रिस्क नहीं लूंगा। बट हाई ओके ओके ओके, यहाँ पे ना पैर बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं। आप लोगों की नॉलेज के लिए, जो हमने घोड़ा किया था वो उन्होंने 1000 रुपये से स्टार्ट किया था, बट हमने डन कर दिया उसको 500 रुपये में। ठीक है, ये जो टायर स्लाइड हो रही है ना यहाँ पे, उसका रेट है 100। फॉर यू जस्ट फॉर योर रेफरेंस जब आप आओ। बट मैं आपको प्रो टिप दूंगा घोड़ा करके आना, क्योंकि वरना ऊपर आके इंजॉय नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। देखो ये हमारा भाई सेंटा क्लॉज बना रहा है, और स्नोमैन बना रहा है भाई। अपने जैसा बनाना, यो कैसा बना रहा तू भाई? इतना ही बनता है भाई, कुछ भी कहो, कत्ता ही जबरदस्त हुआ है। तो भाई आप चलते नीचे स्लाइड करते हुए, फोन लेके जा रहा हूँ रिस्क लेते हुए। अबे पकड़ क्यों रहा है भाई, फोन पकड़ो। बस हो गया, थैंक यू। ओ मोनिए, ओ रोक लियो भाई, चले हर तौर पर कर ले। ओ रोक लिया भाई, जा जा आगे के जाओ, वो सारे अंदर तो पहुंचे। मैगी भाई, मैगी मैगी टेस्ट करते हैं, पहाड़ों वाली मैगी। भाई मैं भी खाऊंगा, बोल दे भाई, बोल दे। ये भाई है अपना, केड़ा पेज है भाई अपना, ए जी मान पी भी तेई भी रे, सब्सक्राइब पंजाबी वीडियो है, शॉर्ट मूवी है अपना, लाइफ स्टाइल एंड क्रेविंग वीडियो एक दूसरे के पेज पे शेयर हो जाएगी, आराम से शेयर करेंगे। 15 तारीख के बाद व्लॉग जाएंगे असि भी, पंजाबी प्योर पंजाबी परिवार के वीडियो, ए जी मान पी भी तेई ते बाबा बखतौरा ते नमिया परिवार के वीडियो अपलोड कर दिया। प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ते बेल आइकॉन दी घंटी बजाना। बिल्कुल बिल्कुल। अपने ब्रदर दा चैनल है, क्या नाम है ब्रदर? लाइफस्टाइल एंड क्रेविंग, जतन नाम है। जतन वीर दा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन की घंटी बजाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो कमेंट करेगा उसकी अगली वीडियो में नाम लेके हम उसका वीडियो का नाम लेंगे, उस भाई के साथ मीटिंग करेंगे और वीडियो में आने का एक मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, जो जो बोला हो जाना चाहिए। थैंक यू। नहीं नहीं, ये बन गई अपनी मैगी, बढ़िया। मैं
कैमरा इतना जस्टिस नहीं करता, लेकिन भाई पर अब बड़ी जबरदस्त है। तो गाइस अपन वापस आ गए हैं गाड़ी के पास और टाइम हो गया है 3:30, 3:30 बज चुके हैं। अपन ने अनपैक कर लिया है पूरा, जंप सूट और बूट्स वगैरह रख दिए हैं, गाड़ी आ रखी है। स्वाद तो भैया बहुत आया, मज़ा आ गया, मज़ा। लेट्स सी गाइस अब आगे का क्या प्लान है। आगे जाना है अटल टनल, सोलांग वैली आई गए, उसी रूट में आता है। देखो एक भाई आई मस्त से एक्सपीरियंस वॉज एपिक। Now this is the actual view. भाई पूरा जबरदस्त व्यू हो रखा है पीछे, बहुत ही जबरदस्त। I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I